हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल परमानेंट पैसेंजर। सो आज हम थोड़ा अलग व्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए। जनरली हम देखते हैं कि जब लोग कहीं जाते हैं, स्पेशली अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो लोग जब ऋषिकेश में आते हैं तो यहाँ के उनको कई अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, कई बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, राइट? यस। सो आज हम क्या अच्छे एक्सपीरियंस आप ले सकते हो उस बारे में आपको बताना चाहेंगे बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। यस, कि आप यहाँ अगर आते हैं तो आपके एक्सपीरियंस को लाइक हाउ यू कैन मेक इट गुड, थोड़ा सा हम अपने पॉइंट से बताएंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, सो लाइक व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव हियर टू डू, वो हम बताएंगे आपको आज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत सारी बातें हम लोग शेयर करने वाले हैं और भी जो हमने एक्सप्लोर किया उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं गाइस। आई होप कि आपको पसंद आएगा। और सो लक्ष्मण झूला के पास है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सो इससे पहले हमने एक व्लॉग बनाया है तो आप ऊपर के लिंक में देख सकते हैं, ऑफबीट घाट्स ऑफ लक्ष्मण झूला के जो है उसके बारे में बताया। उसके अलावा भी यार लक्ष्मण झूला पे अगर आप आते हो ना तो काफ़ी पुराना झूला है, वही देख के आपको मज़ा आ जाएगा। और वहाँ से आपको ऋषिकेश टाउन और गंगा रिवर का पूरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरमिक व्यू भी देखने को मिलेगा। सो बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। आसपास का मंदिर है जो yes. बहुत काफी मतलब 200-300 साल पुराना, जहाँ तक मुझे पता है रानी का एक मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो यार। मतलब एक पूरा ओल्ड फील मतलब लुक आता है उस मंदिर में, फीलिंग जो है कि काफी पुराना वो मंदिर है। और आप आसपास के जो काफ़ी सारे घाट है वो घूम सकते हैं, वो उस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया है। एक घाट जो हमने नहीं बताया है उस वीडियो में, लक्ष्मण झूला के पास वाले शायद कुछ कुछ मिस किए हैं, उसके अंदर एक ये भी है जहाँ पे हम लोग अभी पहुँच गए। दिस इज़ सत्य साई घाट गाइस। और ये जो है जो गंगा मैया के लग जस्ट पास में है, लक्ष्मण झूला यहीं पीछे है। और एक्चुअली ये थोड़ा अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में, जनरली बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, बट एक्चुअली बहुत सुंदर है और पीसफुल है। तो अगर आप यहाँ पे आके बैठना चाहो तो यहाँ का घाट भी बहुत सुंदर है। यहाँ से आप शाम को सामने आरती होती है, वहाँ पे आप आरती देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यस गाइस, तो ये काफी मतलब थोड़ा मतलब आइसोलेटेड बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होने की वजह से यहाँ पे कम लोग आ रहे हैं। तो लाइक यू कैन हैव क्वालिटी टाइम, थोड़ा पीस में बैठ सकते हैं, नदी किनारे घाट है यहाँ पे अच्छा सा, नीचे से हम लोग और भी देखेंगे। और अगर आप लक्ष्मण झूला से राम झूला की तरफ जाते हो तो बीच में जो पाथ पड़ता है वो पूरा मार्केट वाला एरिया है, जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के शॉप्स है जो आपको जैसे ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, योगा के सारी चीज़ें मिलती है। तो आप थोड़ा जाके शॉप कर सकते हो, थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हो, यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है। यस, राइट, बिकॉज हमने एक दो चीज़ें ली है और बार्गेन करने के बाद हमें पता चला कि एक्चुअली बहुत चीप था। Correct. तो काफ़ी लोग बार्गेन नहीं करते हैं। बार्गेन तो करना ही चाहिए गाइस, क्योंकि ये थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उनकी जो प्राइजेज है वो कुछ इसी तरह से होती हैं। जब तक आप बार्गेन नहीं करेंगे तो शायद आप ज़्यादा ही प्राइस पे करेंगे कोई भी चीज़ का, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर प्राइस भी बहुत ज़्यादा है गाइस। उसके अलावा अगर आप चाहें तो राम झूला के पास का जो प्लेस है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जानकी सेतु के पास आप जा सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सारे मार्केट हैं। अगर आपको मतलब कोई भी शॉपिंग करना है या मतलब घाट पर ही बैठना है तो वो है गाइस। फिर राम झूला के पास ही परामर्श की आरती होती है, बहुत फेमस है, परमार्थ निकेतन सॉरी, जो बहुत फेमस है, लोग बहुत जाते हैं। उसकी आरती भी शाम को होती है रोज 6 से 6:30 बजे करीब, तो आप वो भी जा सकते हो। वहाँ पे शिव जी की एक मूर्त है जो बहुत सुंदर है। यस, काफ़ी मतलब अच्छी शिव जी की मूर्ति है वहाँ पे, लाइक बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी फेमस है फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे भी है हम लोग सत्य साई घाट पे। सो गाइस यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये गंगा जी की मूर्ति है, गंगा मैया की और शंकर भगवान की, सामने रिवर है और आगे जो है मंदिर है। सो गाइस काफ़ी मतलब जो है अच्छा फील करेंगे हम यहाँ पे। घाट्स भी काफ़ी बड़े हैं यार गाइस, देखो ये घाट जो है काफ़ी लंबे हैं और बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे। सो थोड़ा मतलब जो आप बोलते हैं ना कि पीस चाहिए, थोड़ा बैठे हैं शांति से, क्राउडेड हो मतलब। हाँ, सो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दिस प्लेस गाइस। राम झूला से एक चीज अभी जो कोरोना की वजह से चेंज आया है कि लक्ष्मण झूला से टू व्हीलर अलाउड नहीं कर रहे हैं। yes. तो आप राम झूला से व्हीकल लेके इस तरफ भी आ सकते हो। Correct. और राम झूला से आप थोड़ा और वॉक करके अगर आप जाओगे तो नया अभी जो ब्रिज बना है जानकी सेतु, राइट, सो वहाँ भी बहुत अच्छे घाट बने हैं जहाँ पे आप स्नान कर सकते हो, जो उसका भी हमने एक व्लॉग बनाया है, सचिल स्नान कैसे करते हैं। हमारे गुरुजी से बात हुई थी तो गुरुजी ने बताया था कि सचिल स्नान कैसे करना है,
तो हम लोगों ने सचिल स्नान पे भी एक वीडियो बनाया है। और अगर हम लोग ऋषिकेश में बात करें आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद ये जो सारे घाट हम बता रहे हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, ये काफी पास पास में है गाइस, तो मतलब हाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको व्हीकल लेने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पास में कहीं पे होम स्टे रहते हो तो आपको सिर्फ कहीं अगर जाना है आउट ऑफ द प्लेस तो आप कर सकते हो। यस, मतलब अगर आप वो जो होता है ना कि यार एक ही दिन में आए सब जगह, यहाँ पे भी चले जाए वहाँ पे भी चले जाए, वैसा अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा स्लोली रिलैक्स अगर घूमना चाह रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, तो गाइस आप इस तरह से ही, मतलब मेरा मानना है कि लाइक यू कैन डू इट ऑन लाइक फूट, कोई व्हीकल की जरूरत नहीं। और आप मतलब जो है उसी जो उसकी उसके बाद जो आपको ऋषिकेश की जो साइड आपके सामने आती है गाइस, वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, लाइक नॉट लाइक अ टूरिस्ट, लाइक एज अ फील लाइक अ लोकल, राइट। हम भी यहाँ पे काफी दिन से हैं, मतलब मोर देन 2 वीक्स। चलो वहाँ बैठ के ना और बात कर लेते हैं हम लोग त्रिवेणी घाट के बारे में, और बीटल्स आश्रम के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये सारे प्लेसेस हो गए गाइस, उसके बाद और जो प्लेस हैं मैं अगर बताऊं तो बीटल्स आश्रम आप जा सकते हो, मतलब काफ़ी साल पुराना आश्रम है, मतलब 60-70 साल पुराना आश्रम है, वहां आप जा सकते हो। और आश्रम में मतलब काफ़ी सारे ग्रेफिटी जो है, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग अलग अलग बहुत थे, वो देखने हैं। फिर वहाँ पर जब बीटल्स यहाँ पर आए थे, सेवेंटीज में आए थे तो मतलब जो केव्स बनी हुई है, मेडिटेशन की केव्स है वहाँ पे काफ़ी पुरानी, वो है मतलब पुराना है काफ़ी, लोग आजकल नहीं जाते वहाँ पे, इस तरह की वॉल्स है, पेंटिंग्स है, सब कुछ। तो यार आपको एक पूरा अलग ही कल्चर देखने मिलेगा वहाँ बीटल्स आश्रम, अगर वो ओपन हो और जब आप आएँ तो यार ज़रूर से मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर 2 या 3 दिन का ट्रिप है तो राफ्टिंग वगैरह आप कर लेते हैं तो उसके बाद यार एक बार वहाँ ज़रूर जाइए। मैं भी गया था, इस ट्रिप पे तो हम लोग नहीं जा पाए, लास्ट ट्रिप पे मैं गया था तो मैंने देखा था यार, मतलब बहुत मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था वो। और एक्चुअली उसके फोटोज देखे हैं और वीडियो देखे हैं जिसमें मतलब छोटे छोटे ऐसे उन्होंने मेडिटेशन के बना के रखे हैं जहाँ पे वो लोग मेडिटेशन करते थे, और वहाँ पे बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी है और बहुत अच्छा है जो उस जमाने में मतलब उन्होंने कैसे मेडिटेशन किया था वो सब भी मतलब दिखाया है, और लिखा हुआ भी है, मतलब जो रामायण महाभारत से किस तरह से वो कनेक्टेड होता है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ से मिल ही सकती है इसीलिए। सो थोड़े दिन पहले हम गए थे नीलकंठ महादेव मंदिर, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर है, 30 जैसा होगा, 30 अप्रॉक्स 30 किलोमीटर्स है। सो हमने रेंट पे बाइक ली थी, आप भी ऐसा कर सकते हो, 1 डे या 2 डेज के लिए ले सकते हो, अराउंड 100 मतलब 1 घंटा लग जाएगा, बट अगर आप 2 व्हीलर लेके जाते हैं ना तो यार क्या है कि रास्ते में रुक के आप बहुत जगह अच्छे जो व्यूज हैं हाँ। वो देख सकते हैं, गंगा के अलग अलग जगह से फोटोग्राफी कर सकते हैं, राफ्ट वगैरह पास होती है उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो हम लोग जब गए थे हम तो काफी धीरे धीरे गए थे, रुकते रुकते अलग अलग जगह पे, सो करीब 1.5-2 घंटा में हम लोग वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पे बीच में हमने देखा था काफी जगह पे उन्होंने टेंट लगा के रखे थे, सो कैंपिंग के लिए भी ऑप्शन, अगर यहाँ मोहन चट्टी और फूल चट्टी वाला जो रास्ता है वहाँ कैंपिंग होता है, तो यार अगर जाना है वहाँ भी जा सकते हो, वो भी बहुत मतलब बेहतरीन चीज है। 1 डे 2 डे का कैंपिंग भी आप कर सकते हो, विच इज कॉस्ट अराउंड 1000 से 2000 के बीच में हो जाएगा पर पर्सन, और खाना वगैरह सब कुछ देंगे, और मतलब ये है, बट एक चीज़ उसमें ये है कि यार आप कैंप जो बुक करते हैं ना वो यहाँ से बुक करते हैं ऋषिकेश से, और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वैसा नहीं मिलता, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग कैंप्स बने हुए हैं, तो यार वो पहले पता कर लेना ज़्यादा सही रहेगा कि ये हमारा कैंप एग्जैक्टली क्या लोकेशन है, क्योंकि कई बार दूर दूर के लोकेशन पे होता है जहाँ पे रिवर में पानी भी नहीं है, तो यार वो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसके बारे में, थोड़ा आप नेट से थोड़ा सर्च, हाँ, और मतलब आप अब बात करें तो उस कैंप वाले से फोटोग्राफ, मतलब उसके फोटोज मांग सकते हैं कैंप के, या इस तरह से वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि यार बाद में अगर कुछ आपको ऐसा लगे तो आपको मजा नहीं आए तो रिग्रेट रहेगा, तो टाइम पूरा चला गया उसका, राइट। ये बहुत सारे कैंप है ना यार अलग अलग, तो पूछ लेना इज अ मच बेटर ऑप्शन। और नीलकंठ अगर आप जा रहे हो तो वहाँ से बहुत ही पास में झिलमिल गुफा है, बहुत थोड़ा ट्रैकिंग टाइप है, हाफ एन आवर वॉक है, सो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब धीरे धीरे चल के आप एक्सप्लोर करके जंगल में से जा रहे हैं, एक ट्रेल जैसा बना हुआ है वहाँ पे, ऐसे रोड भी बन रहा है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जो ट्रेल है वॉकिंग वाला उस पे से आप जाएं तो करीबन भी आप 1 घंटा मैक्स 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे वॉक करते हैं, बट अगर आप ग्रुप में जा रहे तो और मजा आएगा, क्योंकि थोड़ा फॉरेस्ट है ना तो वो थोड़ा डेंस है, तो यार काफी मजा आएगा वहाँ पे ट्रेल करते हुए, और वहाँ पे डायबिटीज की जो है दवाई भी देते हैं, वहाँ जो बाबा रहते हैं हमसे हमने बात की थी उनसे, बाबा जी शुगर की दवाई देते हैं ना,
तो वो जिसको मतलब शुगर हुए उसी के उसी को लाना रहता है ऐसा नहीं? हाँ जी उसी को लाने लगे। हाँ ज़्यादा दिन ले जाना पड़ता है तो लेके आना पड़ता है। जैसे सवेरे खिलाना है तो ले जा सकते हैं। अच्छा सुबह हाँ मतलब ज़्यादा देर नहीं रख सकते दवाई को। वहाँ गए थे तब काफी लोग लेते हैं उनके पास से, काफी सालों से उन्होंने मतलब जड़ी बूटियों पे काम किया है तो वो देते हैं ऐसा सुना है हमने। और झिलमिल गुफा जाके हमें पता चला कि वहाँ से थोड़ा और एक है गणेश गुफा हमें वहाँ जाके पता चला तो वो भी उससे थोड़ा और एक ऊपर है तो हम 10-15 मिनट लिए पता चला कि आगे और एक गणेश गुफा है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर। ओके 5 मिनट लिखा है यहीं पे इसके ऊपर, ओनली 5 मिनट की दूरी आप देख सकते हो। सो हमने सोचा यहाँ तक इतना आ गए हैं तो गणेश गुफा भी देख लेते हैं कैसा है। जो 5 से 10 मिनट आप एक्स्ट्रा वॉक करेंगे ना भाई, उसके बाद जो आपको लोकेशन मिलेगी ना बहुत अमेजिंग है। ये मेन एंट्रेंस है गणेश गुफा का, ये ब्रिज हियर एंड इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस। जय गणपति गजानन महाराज की, जय भोलेनाथ गणपति दादा। यहाँ पे है गणेश जी हमारे, जय गणपति गजानन महाराज की जय। एक बहुत अच्छे फोटोग्राफ है, अभी जो स्क्रीन पे मैं अगर कोशिश करूंगा कि डाल दूं ये फोटोज तो ये मेरे और इसके फोटो हमने वहाँ पे क्लिक किए थे। भैया ये गणेश गुफा के बाहर के ही फोटो है, यार बहुत अच्छी जगह है वो भी। 360 डिग्री आप पूरा माउंटेन देख सकते हो, बहुत मस्त व्यू आता है। तो यार थोड़ी देर वहाँ पे भी बैठ सकते हो आप, कर सकते हो। और इसके अलावा भी यार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना कि मतलब ऋषिकेश में कभी खत्म ही नहीं होगा ये। अभी हम लोग तो बहुत कुछ प्लान करके आए थे बट कुछ हमने पूरा अलग ही काम किया। एक हम लोग आर्ट फेस्ट में चले गए थे, यहाँ पे 2 दिन आर्ट फेस्ट हुआ था जो उसके ऊपर काफी सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं, शायद मैं कुछ अपलोड कर चुका हूँ, कुछ करने बाकी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार और कोई अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं यार कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बता दीजिए। और हाँ और बताइए, और मैं राधा डॉक्टर राधा आपको बता रही हूँ। और मुझे याद आया कि एक दो जगह भी है जहाँ पे हम अभी नहीं जा पाए लेकिन आप जा सकते हो। एक तो नीर वाटरफॉल है, हाँ नीर वाटरफॉल, कुंजापुरी टेम्पल है, और एक पटना वाटरफॉल भी है पास में। हाँ। मैं तो गया हूँ हालांकि, बट ये जो है फर्स्ट टाइम आई है मेरे साथ तो हम लोग नहीं गए। मैं भी जब दोबारा आएंगे नेक्स्ट टाइम तब हम कुछ और जो है प्लेसेस कवर करने वाले हैं। सो हमने जितने दिन रुके उसमें से हमने आधे जगह ही कवर किए बट वी आर फुल सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीजें जो आप कर सकते हो वो आप एक हफ्ते में भी कर सकते हो, 4 दिन में भी कर सकते हो और 20 दिन में भी कर सकते हो। डिपेंड आप पे है कितना फास्ट आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कितना स्लोली आप देखना चाह रहे हैं। यार हम तो थोड़ा स्लो पसंद करते हैं, आके बैठ जाते हैं थोड़ी देर यार कि चलो बैठे हैं, सुकून मिल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस हम कई बार गंगा के घाट पे ले लेते हैं। भैया मैं जो ये पीछे जो बीच दिख रहा है ना यहाँ पे और एक आगे भी थोड़ा झूले के उस तरफ भी एक बीच है यार। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना मेरी जो स्कूल की क्लास है ऑनलाइन जो बच्चों को मुझे पढ़ाना है अभी लॉकडाउन की वजह से, मैं वहीं से पढ़ा लेता हूँ। तो यार मतलब मुझे पता ही चलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब सामने माँ गंगा है बैठी, रिवर नदी बह रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ और मतलब पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेशन के साथ। यार अलग ही मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस अलग ही रहा है वर्क फ्रॉम ऋषिकेश का इस बार का, और इसने भी वर्क फ्रॉम ऋषिकेश ही किया यार। तो गाइज अगर आप अभी भी हैं तो प्लान कर सकते हैं आने का। सो दिस इज इट गाइज फ्रॉम अवर साइड फ्रॉम दिस वीडियो दिस व्लॉग, आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच व्लॉग्स। और अगर आप ऋषिकेश आके जा चुके हो या घूम के आए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट में बताइए यार, क्योंकि हम तो शेयर करेंगे और हम एक्सप्लोर भी करेंगे उस चीज को। सो वी वॉन्ट कि यार हमें भी और चीजें जाननी है कि जो मतलब और ज्यादा हिडन है। ये तो जो हमने कवर की है क्या कि जब आप पहला यहाँ पे आएंगे या किसी से बात करेंगे पूछेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में तो पता चलेगा ही, बट वो करने के बाद अगर आप और ज्यादा टाइम के लिए रुक रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं यार, तो गाइस हमें भी बता दीजिए। एंड वी होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। राइट, डॉक्टर राधा एंड मी बोथ आर लर्निंग टू व्लॉग एंड आई होप कि अच्छे व्लॉग्स आपके लिए ला रहे हैं। कीप सपोर्टिंग अस गाइस। जो एल्गोरिथम है हमारा उसके लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और आपको ऐसा लगे कि आप हमें कुछ सजेशन दे सकते हो फॉर इम्प्रोवाइजेशन सो यू कैन आल्सो गिव डेफिनेटली ऑल द सजेशंस आर वेलकम। यस ओके गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड बाय फॉर नाउ।